तीर्थ नगरी पुष्कर में स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेसियों ने अर्पित की पुष्पांजलि। सेवा कार्यों के तहत अस्पताल में कार्यरत चिकित्सा व नर्सिंग स्टाफ का किया सम्मान। गौशालाओं में खिलाया चारा, वृद्धजनों को कराया भोजन। पुष्कर तीर्थ नगरी में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर शुक्रवार को कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष और पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ के मुख्य आतिथ्य में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मंजू कुड़िया के आतिथ्य में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से नेहरू पार्क में राजीव गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इसके बाद राजकीय चिकित्सालय में कोरोना योद्धा चिकित्सकों व नर्सेज स्टाफ और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का सम्मान किया गया। गौशालाओं में गौवंश को हरा चारा और गुड़ खिलाया गया। साथ ही कोविड हेल्थ सेंटर में भर्ती मरीजों व वृद्धाश्रम में वृद्धजनों को खाना वितरित किया गया। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष नसीम अख्तर इंसाफ ने पुष्कर हॉस्पिटल को कोरोना टेस्टिंग किट भी भेंट किए। जवाहर फाउंडेशन की ओर से अस्पताल के बाहर सैनिटाइज कराया गया। इस अवसर पर पुष्कर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी व कार्यकर्ता आदि मौजूद रहे। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। भारत रत्न स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर उनको नमन करते हुए उनको श्रद्धासुमन अर्पित किए गए और उनको याद किया गया। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर की हैं कि सेवा कार्यों में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें। आज हमने यहाँ हॉस्पिटल में मास्क के वितरण भी किया, सैनिटाइजर का काम भी चालू हो रहा है और पुष्पांजलि का कार्यक्रम भी हुआ है। और साथ ही साथ जो किट है, जो जांच के किट है, वो दिए गए हॉस्पिटल में, जो राज्य सरकार के द्वारा दिए गए। और माननीय स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी और कलेक्टर साहब से बात कर मैंने सभी सीएससी और पीएससी पर ऑक्सीजन के 500 बेड और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन के सिलेंडर की बात की थी, तो वो माननीय कलेक्टर साहब ने पूरी कर दी है। सभी पीएससी और सीएससी पर बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर और कंसंट्रेटर पहुंच गए, ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना की महामारी अभी ज़्यादा फैल रही है, उसके बचाव के लिए ज़रूरी है कि गांव के लोगों को, गांवों की पीएससी और सीएससी पर ऑक्सीजन की सुविधा वहीं मिल जाए, ताकि वो लोग शहरों की तरफ पलायन नहीं करें और हॉस्पिटल शहर के हॉस्पिटलों पर ज़्यादा दबाव नहीं करें। तो माननीय कलेक्टर साहब ने और रघु शर्मा जी से भी मेरी बात हुई थी, उन्होंने माननीय कलेक्टर साहब ने तत्काल करते हुए सभी पीएससीओं पर और सीएससीओं पर बेडों की व्यवस्था कर दी, ऑक्सीजन सिलेंडर भेज दिए, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेज दिए, ताकि मरीजों को वहीं सुविधा मिल रही है। और एकाध पीएससी पर बाकी है, तो एकाध पीएससी पर जैसे सरदार वहाँ आज पहुँच जाएंगे। आज राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के शुभ अवसर के ऊपर जवाहर फाउंडेशन की ओर से मरीजों को हॉस्पिटल के अंदर मास्क बांटे गए एवं पूरे हॉस्पिटल के अंदर सैनिटाइजर किया गया। और ये कार्य सैनिटाइजर का पूरा पुष्कर के अंदर किया जाएगा जवाहर फाउंडेशन की ओर से। आज मैडम नसीब अख्तर इंसाफ के सानिध्य के अंदर मरीजों को खाना भी खिलाया गया और सैनिटाइजर भी किया गया, तथा मैडम के हाथ से मरीजों को और उनके जो साथ में थे उनको सबको मास्क बांटे गए। आपका नाम?